नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे शुकराला माता जो पड़ता है बिलावर में, जम्मू से 125 किलोमीटर की दूरी पे है। बिलावर शुकराला माता जाने के आपके दो रास्ते हैं, एक कठुआ वाली साइड से जा सकते हैं आप और एक मानसर वाली साइड से। मानसर वाली साइड का जो रोड है अभी नया बना हुआ है तो वो अच्छा रोड हमें लगा, तो इसलिए आज हम वहाँ से जाएँगे। इस मंदिर की मान्यता ये है कि ये जो मंदिर है एक राजा ने बनाया था जिनका नाम माधो सिंह था, ये चंबा के राजा थे, वहाँ से आके इन्होंने यहाँ पे को स्थापित किया था और माता इनके सपनों में भी आई थी जिसकी वजह से ये यहाँ पे आए थे चल के। और आते समय हम सुनीसर लेक भी जाएंगे जो यहीं से रास्ता पड़ता है, तो चलिए। नीसर से चलते हुए आपको एक चौक आएगा जो मानसर लेक की ओर जाएगा, यहाँ से 5 किलोमीटर की ओर है और यहाँ पे एडवेंचर पार्क भी है, शेषनाग टेंपल भी है। हम जाएंगे इस रोड में जो लेफ्ट साइड में होता है जो हमें ले जाएगा सीधे शुकराला माता। मानसर रोड से आगे चलते हुए आपको एक मंदिर दिखेगा जो बगला मुखी माता जी का मंदिर है, अगर आप इस रोड से आए तो इनके भी दर्शन ज़रूर करिए। तो हम पहुंच चुके हैं बिलावर सिटी, यहाँ से एकदम 5 किलोमीटर की दूरी पे शुकराला माता जी का मंदिर है, तो पहुंच के आपको बताते हैं। तो फाइनली दोस्तों 130 किलोमीटर की ड्राइव के बाद हम पहुंच चुके हैं शुकराला माता, यहां से हम प्रसाद लेंगे, चुन्नी लेंगे और आपको सभी को दर्शन करवाएंगे शुकराला माता जी का। चलिए बस ला ना।
ये भैया जी हैं हमारे बर्फी वाले, करवा देगी लेकिन फिर भी आप जब भी आए यहाँ पे और टेस्टी बर्फी मिलती है, थोड़ा दिखा देते हैं आपको एकदम चकाचक बर्फी। चलो जयकारा चंडी रानी शुक्रिया।
तो दोस्तों हमने सुकराला माता जी के दर्शन बहुत अच्छे से कर लिए हैं और इन्हें शारदा माँ भी कहा जाता है। और इसके बाद यहाँ मार्केट है छोटी सी, जिसमें आप बच्चों के लिए टॉयज़ वगैरह खिलौने वगैरह ख़रीद सकते हैं। उसके बाद हम चल पड़े, हमने यहाँ पे लंगर लगाया था तो लंगर की ओर चल पड़े। दोस्तों लंगर ख़त्म होने के बाद अब हम निकल पड़े हैं सुनीसर लेक की ओर। अगर आप यहाँ पे आए तो सुनीसर और मानसर भी जाएं, हम मानसर नहीं जा सकते क्योंकि हमें देर हो चुकी थी। तो दोस्तों सुनीसर लेक में आपको एग्जीबिशन दिखेगा जहाँ पे बच्चों के लिए अलग अलग किस्म के स्पोर्ट्स वगैरह हैं, तो बच्चे यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं, एक किस्म की उनकी पिकनिक हो जाएगी और यहाँ पर शाम को अच्छा मौसम हो जाता है। हमें आइडिया दिया था ब्लॉग करने का, आए कर दो गाड़ी गाड़ी डड्डू राइड। डड्डू राइड कहते हैं इसे। तीन क्या ये एक है? आगे के लिए घुमा। यहाँ पे आप सरीन सर आके ना आप एंजॉय कर सकते हैं बच्चों को लेके, उनके लिए तो है ही पार्क। आप हो यहाँ पे, बच्चे फेंकते ऊपर से नीचे।
देखो कह रहा है, इधर देखो ने हाथ ले लिया। तो यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे मछलियों को आटा या ब्रेड डाला जाता है, क्योंकि ये विष्णु जी का एक स्वरूप है। देखो तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में आपका बेस्ट पार्ट क्या था। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।